अज़ब्लिमिनीम बसमिल्लरज़ी आमन वाम जन्नातम सद्ज़ीम सरामान की आयत नंबर आठ में इरशाद बारी ताल है इन लज़ीन आमन व आमिल्सौलहत बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल इख्तियार किए और जाहिर सी बात है कि नेक आमाल के करने में वो पीछे ज लाहीस और वो पूरा जो मीडिया का गलत इस्तेमाल है वो तो सारे अमाल नहीं हैं उनसे बचना भी नेक अमाल का हिस्सा है तो बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए लहुम जन्नातुल्नाईम उनके लिए नेमतों वाले बाग़ात हैं खालदीन अफिया वो उनमें हमेशा रहेंगे वाद अल्लाह हक्का, ये अल्लाह का वादा है पक्का और सच्चा ये वो वादा है जो याद रहे कि सूरह तौबा की आयत उन्नीस सौ ग्यारह में भी इसका जिक्र आ चुका है अल्लाह के वादे में तो कुछ शक नहीं हो सकता लेकिन क्या हम भी अपने पार्ट की डिलीवरी दे रहे हैं यह हर एक का सोचने की बात है वह अजीज़ुल हकीम और वही इज्जत व गलबे वाला और कमाल हिकमत वाला है खल समावात ब़ैर आमदिन तरउनाहा उसने पैदा फरमाए आसमान बग़ैर सतूनों के जुम जिनको तुम देखते हो वह अलकाफिल अर्द रवासिया इतनी वसी वरीज़ नीली छत बगैर किसी से के वाल काफिल अर्दास और डाल दी उसने जमीन के अंदर लंगर मजबूत लंगर मबादा के तुम्हें लेकर वो झोंकना पड़े एक तरफ मिन कुल दाब। और फैला दी उसने हर किसम के चौपाए मंजल ना मिनसमाय और नाजिल फरमाया अ फरमाते हैं हमने आसमान से पानी फाम बत ना फी हा मिनकुल्लिजा जिन करीम और फिर उगाई हमने उस पानी के जरिए से हर किस्म की मदा अजनास नफीस किस्म की हाजा खलकुल्ल ये तो है मखलूक ये तखलीक अल्लाह की फ़ारूनी माजा खलकू ने ही तो मुझे दिखाओ कि क्या तखलीक किया है अल्लाह के सिवा जो मबूद तुमने ठहरा रखे उन्होंने बलिमीन बलिजौलिम नफीजोलामोबीन बल्कि ालिम लोग तो खुली हुई गुमराहि में पड़े हुए हैं वालकदातीनकमानमाम अब ये जो अगला रुकू शुरू हो रहा है इस सूरत का इसमें हजरत लुकमान की तस्करा है और इसी से सूरत का नाम लुकमान है फरमाया वलत आतनाकमान हकम हमने आता की थी लुकमान को हकमत लुकमान जो है अरब में दाना के तौर पर मशहूर थे नबी नहीं थे किसी नबी के पैरुकार होने के बारे में इख्तलाफ है अलबा हकीम और दाना इंसान थे और अहल अरब के लिए एक दाखिली शहादत कि जिसे तुम हकीम और दाना कहते हो उसकी बात जरा सुनो वह क्या कहते थे वो भी वही दावत सामने रख रहे थे जो कुरान की बुनियादी तालीमत का खुलासा है और उन वलक आतना लकमान हमने अता की थी लकमान को हकमत दानाई शौर इंसानी की पुख्तगी बसरत बातनी जिसे सूर्य बकरम में हम पढ़ाया नंबर टू सिक्सटी नाइन में कि यू तिल हमत मैशा अल्लाकमत अता फरमाता है जिससे चाहता है वहीं यू तकमत फ़कद ऊत खीरा कसीरा और जिसे हमत अता की गई उसे तो बहुत बड़ी खैर अता की गई है और ये इसके लिए अल्लाह के रसूल वसल्लम का अरशाद गरामी कि ये हमत जो है ये तो मोमिन की गुमशुदा मताह है मोमिन ये हकमत की बात ये तो मोमिन की गुमशुदा मता है वह वहीस वजदा हा को बेहा वो इसे जहाँ कहीं भी पाए वो इसका ज़्यादा हकदार है। का हासिल क्या हमने लकमान को हमत दी और हिकमत का हासिल किया अनिश्ल्ला के शुक्र अल्लाह का यशकुर फिन नमा य तो जो कोई भी शिक्र कर, करता है वो अपनी ही जान के भले के लिए शुक्र करता है शुक्र की भी डेफिनेशन आपको बार बार बताई गई कि तसवर न इजहार हुआ नमत की कदर व का एहसास तस्वर और उसका इजहार और ये इजहार के दर्जे हैं दिल की गहराइयों से भी होना चाहिए शुक्र बिलकब और शिक्र लिसान जबान से भी और शिक्र जवारे अपने वजूद से भी चलता फिरता इंसान जो है वो शुक्र का मुजस्म नजर लगे ये है जो असल मकसूद है तो वह मैं यशकुर यश् फ़ैनमा नफ़सी जो कि शुक्र करता है वह अपनी जान के भले के लिए करता है और ये हम जो है ये हमत का मजहर है अव्वल है शिक्र इबादत की बुनियाद और शरा इब्राहिम की याद नंबर सात में हम यह पढ़ हैं कि वह कि जिसमें यह कहा गया था कि लाइन शकर तुम ला, ला अजीद नकुम अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद न अदा करूंगा तो इसका फायदा भी इंसान को खुद ही होता है और इंसानी शख्सियत की सही रुख पर तामीर के लिए ये नागुजीर है बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता जो लोगों का ये उनके एहसानात पर शिक्र गुजार नहीं होता है शुक्र की जिद के तौर पर क्या बात आई वमन का फरा और जिसने ना शुक्री की फ़ैनल्ला गनीद तो बेशक अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है अपनी ज़ात में ख़ुद तारीफ़ किया हुआ है सतूदा शफ़ात है तो कुफ़्र के जो लफ्ज़ी मानी है छुपाना या इनकार करना और क़ुरान मजीद में ये लफ्ज़ कुफ़्र जब मुख्तलफ़ मानी में इस्तेमाल हुआ और इसकी वजह और उसका हासिल क्या होता है कुफर मा मुकाबला शुक्र के इसकी बुनियादी वजह तकबर और इसके नतीजे में एक फासिक जो है किरदार वजूद में आता है कुफर मुकाबला इस्लाम इसकी बुनियादी वजह तसब कानूनी कुफर और इसके नतीजे में एक काफर का किरदार वजूद में आता है और कुफर मुकाबला ईमान और इसकी वजह होती है दुनिया की मोहब्बत ये जो है अंदर ही अंदर जो इंसान का इरतदाद है और इसके नतीजे में जो किरदार वजूद में आता है वो एक मुनाफिक का किरदार होता है व इसक लकमान लिबन ही और जबकि कहा लकमान ने अपने बेटे से वह हो व याजहू और वह उसको नसीहत कर रहे थे या बुनैयाला तो शरीक बिल्ला ए मेरे बच्चे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना इन न शर्क लजमन अजीम बेशक शर्क जो है ये बहुत बड़ी नासाफ़ी है हसन लकमान का जो वाज और वाज में कहते हैं ऐसी बात को जो दिल पर असर करे दिल को समझाने वाले और इसमें जो है उस वाज का हासिल किया है के ला तो शर्क अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना इन न शर्कला बेशक बेश बहुत बड़ा जुल्म है जुल्म कहते हैं वज़्रशैफ़ ही गैर महल ही किसी चीज़ को उसके असल मुकाम से हटा कर दर्जा देना यह जुल्म है और सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और इसमें जो यानी वो कह दीजिए कि इसके जो मुख्तफ तरीके हैं या तो बंदों में से किसी को उठाकर अल्लाह के बराबर करार देना या अल्लाह को उसके मुकाम रफी से गिरा कर बंदों की सफ में ले आना यह दोनों पहलू जर्क के इनसे जो बचने की बात आ रही है आगे फरमाया अब जो आयत नंबर चौदह और पंद्रह में अल्लाह की वसीयत वह अल इंसान अब वालई हमने इंसान को वसीयत की उसके वालदेन के बारे में वसीयत कहते हुक्म को हमलत हु उमहू उसकी माँ उसे उठा कर रखती है असल में हजरत लकमान जब बेटे को नसीहत कर रहे हैं तो अगर वो अपने वालदे के हकूक़ की बात करते तो एक बाप की हैसियत से उनको इसमें आर हो सकती थी एक उसको हिचकिचाहट हो सकती थी तो अल्लाह ने इसको अपनी तरफ मंसूब किया कि हमने ताकीदी हुक्म दिया इंसान को उसके वालदेन के बारे में हम अलतमू उठाती है उसको उसकी माँ वाहनन अला वाहनन तकलीफ़ पर तकलीफ़ झेल कर व फ़िसफ फी आमन और उसका दूध छुड़ाना है दो सालों में अनिशक् कर शुक्र मेरा वाले वईक और अपने वाले का इैयीर मेरी ही बारगाह में लौट कर आना है अल्लाह ने बज़ात खुद वालदेन के हकूक बयान फरमाए और हकूक के जिमन में फितरी तरतीब सबसे पहला हक अल्लाह का और उसके बाद वालदेन का, का फायक तरीन हक अल्लाह का और फिर वालदेन का और चार मकामा पर अल्लाह के हक के बाद वालदेन के हकूक का तस्करा हम सूर्य बकरा के तिरासी में पढ़ाए सूरह निसा की आयत नंबर छत्तीस में सूरत नाम की आयत नंबर एक सौ इक्यावन में और सूरय बनी इसराइल की आयत नंबर तेईस में पड़ा और वालदे के साथ हुसन सलूक के हवाले से अल्लाह के रसूल का के ग्रामी जो मुस्लिम में आया है कि बदनसीब है वो है जो वालदे के बुढ़ापे बुढ़ापे की हालत में पा के पाए और खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके और वालदान के हक़ में भी ज़्यादा जोर जो है वो वालदा के हक़ के बारे में तीन गुना ज्यादा जो है ताकिद बुखारी और मुस्लिम में आई है व इन जहादा का अगर वो दोनों तुझसे जिहाद करें यहां लफ्स जिहाद को पहचानिए कशाकश वालदेन और औलाद के दरमिया वालदेन भी औलाद के खिलाफ जिहाद कर सकते हैं किस काम के लिए अला अंतुश्री कभी के तू शरीक शिर करे मेरे साथ मेरे साथ शरीक ठहराए मा लई सला कभी इम जिसके लिए तेरे पास कोई इल्म नहीं है तो फ़ला तो हमा इन दोनों का कहना नहीं मानना वाहिब हों फिर दुनिया मारूफा और दुनिया में उनके साथ फिर भी भले तरीके की मुसाबत बरकरार रखनी है यानी हकूक में अगर तसादम हो जाए तो वालदेन का हक एता तो साकित है कि ला तखलूक इन फी मास मखलूक में से किसी की एतायत नहीं जायज़ अगर उससे खालक की नाफरमानी होती हो अलबत् उनका हक हाँ खिदमत फिर भी बरकरार है कि वह साहेब हम फिर दुनिया मारूफा यह है कलाम इलाही का तो सभी लमन अना व इलैया और पैरवी कर उसकी उसके रास्ते की जिसने रुख किया मेरी तरफ सुम्मा इलैया मार जेकुम और फिर मेरी ही बार का तुम सबको लौट कराना है फोन तमलू तो मैं तुम्हें, तुम्हें बता दूंगा जितला दूंगा जो अमल तुम किया करते थे यानी पैरवी ऐसी हस्ती की करनी चाहिए जिसका रुख अल्लाह की तरफ हो इसमें दीनी चमायत के साथ मुंसलिक होने की तरफ इशारा भी मौजूद है अल्लाह में अमल की तोफ़ी के तफर आमीन। और हकूक़ की अदायगी के लिए जज्ब मुहर्रका होना चाहिए आख़रत में जवाबदेही अल्लाह के यहाँ अपने आमाल के हवाले से फरमाया कि या बुनैया ए मेरे बेटे इन्हा इन तक़ाल हब्बत मिन खरदलिन अगर हो कोई अमल राय के दाने के बराबर फतकुन फ़तफ़ी सखरतन और फिर वो किया जाए किसी चटान में और फिर समावत या आसमानों में और फिर अर्द या ज़मीन में या अतिबी अल्लाह उसे ला हाज़िर करेगा अल्लाह उसे ले आएगा इन अल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर यकीन अल्लाह तारिक मीन और हर चीज़ से बाखबर है हदीस में बताया गया कि अगर तुम में से कोई शख्स बेसौराख के पत्थर में भी अमल करेगा जिसका कोई दरवाज़ा ना हो ना खिड़की अल्लाह ताला उसे लोगों पर ज़ाहिर फरमा देगा चाहे वो कैसे ही अमल क्यों ना हो मुस्नद अहमद के आ, का मफहम है इसलिए कि वो लतीफ़ बारिक बीन है जिसका इलमी तरीन चीज तक मुहित है और खबीर है अंधेरी रात में चलनी वाली चूंटी की हरकत व शकनात से भी बाखबर है तो पता चला कि इंसानी अमाल महफूज और नतीजा खेज हैं हर शय बा मकसद है बातन में नेकी और बदी का शूर जो अल्लाह ने रखा है उसका भी नतीजा निकल कर रहेगा और नेकी और बदी के हवाले से मुख्तल एहसास और जज्बात की भी तइद होती है या बुनैया अ मेरे बेटे आखिर में सलाह नमाज कायम कर वामुर वाममारूफ नेकी का हुक्म दे वन अनिल मुन बुराई से रोक मना कर वस मा सबक और सबर कर उस पर जो तुझ पर बीते इन नजाले का मिन बेशक ये बड़े हिम्मत के कामों में से है क्याम सलाद यानी अल्लाह से मुसलसल लॉ लगाए रखना और अमल भी मरूफ और नहीं मुनकर की जो है हम तीद आई है यानि मरूफ ऐसा काम जिसके जिसकी पहचान फितरत में वदियत शुदा है बिल्ट इन है और मुनकर ऐसा काम जिसका फितरत इनकार करती है और नेकी हुसन अखलाक है और गुनाह वो है जो तेरे जी में घुटन पैदा करे मुतफिकवायत बुखारी मुस्लिम की उसका मफूम है नेकी हसन अखलाक है और गुनाह वो है जो तेरे जी में घुटन पैदा करे और तू नापसंद करे कि लोग इसे जान लें तो एक बहुत बड़ा इसमें मुगालता आमतौर पर यह है कि जी सिर्फ़ अमर बिल बिल्माूफ काफ़ी है नहीं अनकर की ज़रूरत नहीं है उससे तो खाम खा जो है वो एक तलखी पैदा होती है तो नौ मकामा पर कुरान मजीद में अमर बिलमूफ और नहीं अनकर का जिक्र साथ साथ आया है अहम मजामी तो कुरान में कम अज कम दो मरतबा दो से ज्यादा दोहरा कर दो दो से ज़्यादा मरतबा दोहरा कर आते हैं जो बात नौ मरतबा साथ आई है इसका मतलब अमरबुलरूफ की जितनी अहमियत है उतनी ही नहीं अनिल मुनकर की भी अहमियत है और मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक जो कोई तुम में से किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उसे तो अपनी कुत बाज़ू से बदला ले फिर अगर वो इसकी ताकत ना रखता हो तो अपनी जबान से रोक दे और फिर अगर वो इसकी भी ताकत ना रखे तो अपने दिल में बुरा जाने और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है और अमल बिनमारूफ और नहीं अमुलकर के नतीजे में पेश आने वाली तकालीफ पर सब्र बसबर आला मास्वक बस बर्दाश्त कर जेल सबित कर्मी का मुजाहरा कर उस पर जो तुझ पर बीते इन नजाली का मिलाजमिल उमूर बेश बड़े अजीमत के कामों में से है वला तोल इन्नाश और ना फुला कर रख अपने गाल लोगों के सामने वला तम शेफी अर्द म और ज़मीन में अकड़ अकड़ कर मत चलो इन जमीन में इतराते हुए मत चलो इन अल्लाह हब्बकुल्ल मुख़ूर बेशक अल्लाह ताला हरगिज़ पसंद नहीं करता ख़ुद को कुछ समझने वाले और बड़ाई करने वालों को तकबर की तारीफ जो है बताई गई है कि तकबर है हक़ को कबूल ना करना और लोगों को हक़ीर समझना मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक यानी तकब्बर ना करके लोगों को हक़ीर समझे जब वो तुझसे हम कलाम हो तो उनसे मुँह फेर ले या गुफ्तुओं के वक्त अपना मुँह फेर रखे सार एक बीमारी है जो ऊँट के सर या गर्दन में होती है जिससे उसकी गर्दन मुड़ जाती है यहां बतौर तकबर मुंह फेर लेने के मानी में यह इस्तेमाल हुआ है और इंसान की चाल जो है वो तकबर के इजहार का एक जरिया है इसलिए जो जहां पर कहा गया कि बलातम शफील अर ने महा जमीन में इतराते हुए अकड़ अकड़ कर मत चलो और इसलिए कि यह तकबर अल्लाह को नापसंद है मुस्लिम शिफ की रवाज यह है कि वह शख्स हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकबर होगा यानी ऐसी चाल या रवैया जिससे माल दौलत या जाहु मनसब यावत और ताकत की वजह से फ़ख्र गुरूर का इजहार होता हो तो ये अल्लाह को नापसंद है इसलिए कि इंसान एक बंदा आजज़ व हकीर है अल्लाह को यही पसंद है कि वह अपनी हैसियत के मुताबिक आजी और इंतसारी इख्तियार किए रखे इससे तजावज़ करके बड़ाई का इजहार ना करे कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह ही के लिए जेबा है जो तमाम इख्तियारत का मालिक और तमाम खूबियों का ममबार सरच्मा है वक्त सदफ़ी मशिक म्याना रवि इख्तियार कर अपनी चाल में मिन सौतिक और पस्त रखा अपनी आवाज़ को इन हमीर बेशक आवाजों में से सबसे बुरी आवाज़ यकीनन गधे की आवाज़ है म्याा रवी ज़ाहरी चाल और पूरी ज़िंदगी की रविश में ये इसमें जो है अल्लाह की हिदायत हमारे सामने आ रही है इंतहा पसंदी से बचना है बहस के दौरान भी अपनी आवाज़ को आहिस्ता पस्त रखो और दलील के मुकाबले में बुलंद आवाज़ के ज़रिए से गाला माने की कोशिश ना करो इसलिए कि अल्लाह ने ऊँची आवाज़ को गदे की आवाज़ करार दिया यानि चाल इतनी सुस्त ना हो कि जैसे कोई बीमार और ना इतनी तेज़ हो कि शर्फ़ वक़ार के खिलाफ हो इसी को जो है सुरय फुरकान की आतंब तेरे में हमने समझा कि वह यमशू नफिल अर्द यमशून आलर्द होना अल्लाह के मंद ज़मीन पर वक़ार औरूनत के साथ चलते हैं और इसी तरीके से वह बघदूदिन सौदेख अपनी आवाज़ को पस्त रखो यानी चीख चिल्ला कर बात ना कर इसलिए कि ज्यादा ऊँची आवाज़ से बात करना पसंदीदा होता तो गधे की आवाज़ सबसे अच्छी समझी जाती लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि गधे की आवाज़ सबसे बदतर है बल्कि बुखारी शरीफ में तो यहाँ तक आता है कि गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से पनाह मांगो तो इन हिदायत पर अमल करने की ये बड़ा जामे इस लिहाज से रुक है अल्लाह तौफीक दे तो उसको याद कर ले आदमी इसमें सारी हिदायत जो है और उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए आमीन आगे तरा अल्लाह लकुम मा फरमाएल तरक फिल से और क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह ही ने मुशर कर दिया तुम्हारे जो कुछ आसमानों में जो कि ज़मीन में है वह असबगा अलैकुम और उसने बहुत ज़्यादा कर दी तुम्हारे लिए अपनी नेमतें जाहिरतन जाहिरी भी व बातना और बातनी भी जो जाहिर में नज़र आ रही हैं और बातनी तौर पर रूह के लिए भी अल्लाह ने कुरान की शक्ल में जो है वो अपनी नेमतों की बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश कर दी वबिनन्ना से मैं उजाफिल्ला बग़ैरम और लोगों में से बाज़ वो है जो जगरता है अल्लाह के अमर में बग़ैर किसी इल्मी दलील के वला हदन ना उसके पास कोई हिदायत है वला के तम मुनिर और ना ही कोई रोशन किताब वैजाकि तब मा अनजरल्ला और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो इतबा कर उसकी जो अल्लाह ने नाजुल फ़रमाया है कालू तो कहते हैं बल नब माँ वजत ना अलह आबा ना कि हम तो पैरवी करेंगे उसकी जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया अवला को शैतानजाब सैर क्या अगरचे शैतान उनको बुला रहा हो दोज़ख् के भड़कती हुई के अज़ाब की तरफ तो तब भी बाप दादा के तरीके की पैरवी करेंगे इसके बरसम यूसलिम वजहा जो कोई झुका दे सर तस्लीम ख़म कर दे सबमिट कर दे अपने चेहरे को अल्लाह के आगे वह वो महसिनन और वह हो खूब इंतहाई ख़ूबसूरती से नेकी का हक़ अदा करने वाला फ़कद स्तम्स कबल और वतमस्खा तो उसने तो पकड़ लिया बड़ा ही मजबूत कड़ा बड़ा ही मजबूत सहारा वहीं आके और अल्लाह की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं जो इससे पहले हम पढ़ा पढ़ाए शराय बकरा में कि वो मैं यकफुर बिता वही उम बिल्ला ही स्तम से कबिल और बतिल तो उसने तो बड़ा मजबूत सहारा थम दिया वो मन काफरा और जो मुनकर रहा नाशुरा जानबूझ कर इनका फला यहाज का कुफर हो तो आपको उसका इनकार करना गमजदा ना करे एल इमारम हमारी बारगम उनको लौट कर लाना है फ़न व नब्बे बामिलूँ तो हम उनको जितला देंगे बता देंगे जो कुछ अमल किया करते थे इन अल्लाह अलीम उम सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तो खूब जानता है जो सीधों के अंदर छुपे हुए भेद हैं उनसे भी आगाह है नुमतली हम देंगे उन्हें जो है अब थोड़ा सा दुनिया का साजो सामान सजरह इलाजाबिन गलीस और फिर हम धकेल देंगे उनको तकलीफ़ में जो है सख्त अज़ाब की तकलीफ़ में उनको धकेल देंगे वरान साल तो मन खलक समावाते अर्थ अगर आप उनसे पूछें कि किसने पैदा फरमाया आसमान और ज़मीन ला तो वह ज़रूर कहेंगे अल्लाह ही नेहमद ला कह दीजिए कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है बल अक्सर हमलामोन लेकिन उनमें से अक्सरियत जानती है नहीं है लाही माफी समावत वाल अर्थ और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में जो कि ज़मीन में है इन अल्लाहमीद बेशक अल्ला बड़ा बेनियाज और राय के हमदना है वाफिल अगर जो कुछ ज़मीन में है दरख्त वो हो जाए कल में वल बहन या मुद्दु ही सब आतो अब और समंदर सयाही बनकर मदद करें उसकी उसके बाद सात समंदर भी माँ नाफेदत कले तो फिर भी अल्लाह की कलेमात अल्लाह की बातें अल्लाह की कायनात के वसी और ख़त्म नहीं होंगे इन अल्लाह आज़ीज़ुल हकीम बेशक अल्लाह तड़ा इ्जत व गलबे वाला और कमाल हकमत वाला है इसमें जो अल्लाह ताला की अज़मत और किब्रियाई और जलालत शान उसके आसमाए हुसन और फ़ात आलिया और उसके वह कलमात जो उसकी अजमतों पर दलालत करते हैं उनका बयान है कि वो इतने हैं कि किसी के लिए उनका अहाता करना या उनसे आगाही या उनकी असल हकीकत तक पहुंचना मुमकिन नहीं अगर कि उनको शुमार करना और हीला तहरीन में लाना चाहे तो दुनिया भर के दरख्तों के कलम घिस जाएं, समंदरों के पानी की बनाई हुई स्याही खत्म हो जाए और इतने ही जो है वो सात समंदर मजीद जो है वो स्याही के तौर पर आ जाए लेकिन अल्लाह की मालूमात उसकी तखलीक और सन्नत के अजायबात और उसकी अजमत व जलालत के मज़ाहिर को फिर भी नहीं लिखा जा सकता सात समर बतौर मुबालगा है इसलिए कि अल्लाह की आयात का को को गिनना और उसका एहसास करना किसी मुमकिन ही नहीं है इसी मफहम की आयत जो है वो सुरह कहफ की में भी गुजर चुकी कि खलाऊकानलबह मिदादल कलिमात रब्बी कि अगर हो जाए ये समंदर जो हैं ये तेरे रब के कलिमात को लिखने के लिए स्याही बन जाएं लनाफिदल बहर तो समंदर खत्म हो जाए कबल कलेमी इससे पहले कि तेरे रब के जो हैं वो खत्म हो मेरे रब के रबेमात खत्म हो वलव जी ना बे इतने ही और जो है वो समंदर उनकी मदद के लिए क्यों ना ले तो यहाँ पर यह जो बात बताई गई है कि अल्लाह सुबहाना तौ के कलेमात अल्लाह के कलमा कु के नतीजे में यह जो है पूरी कायनात वजूद में आई और अल्लाह के क़लेमात, उसके कवानीन उसके जवाब उसके जो है वह शफात आलिया उनका शुमार किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है आप ये देखिए कि ये कायनत इसकी वसुतों का कोई अंदाज़ा किसी के काम करना सिर्फ एक पहलू आपके सामने छोटा सा रखना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या इन, इस कायनात में एक हकीर सा सितारा सूरज है हमारी ज़मीन से इसका फ़ासला वो पंद्रह करोड़ किलोमीटर है और इस सितारे का साइज यानी सूरज का इतना है कि इसमें हमारी ज़मीन जैसी बारह लाख ज़मीनें जो है समा सकती हैं इस तरह से सूरज हमारी ज़मीन के हवाले से बहुत बड़ा सितारा है लेकिन ये हमारी गैलेक्सी गैलेक्सी या कहकशा का एक अदना सितारा है इस कहकशा में लाखों ऐसे सितारे मौजूद हैं जो सूरज से भी कई गुना बड़े हैं और हमारी ये जो इस कायनात की वसुतों को नापने के लिए जब इंसानों के पैमाने शॉर्ट पड़ गए तो फिर नूरी साल या लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट आया नूरी साल या लाइट ईयर में क्या है कि रोशनी की रफ्तार है एक लाख छियासी हजार मील फी सेकेंड अब इसको साठ से जरब देंगे तो एक मिनट की रफ्तार आएगी उसको मजीद जो है वो अपना साठ मिनट उसको साठ से दोबारा जरब देंगे तो एक घंटे की रफ्तार आएगी उसको चौबीस से जरब देंगे तो एक दिन की रफ्तार आएगी और उसको तीन सौ पैंसठ से जरब देंगे तो एक नूरी साल का में जो फासला तय होता है वो आएगा और इसमें बताया ये जा रहा है कि हमारी ये जो जमीन है और ये जो हमारी गलेक्सी है हमारी कैकशा का जो जो है वो जो रेडियस है ये नाइन्टी टू थाउजेंड लाइटियर्स है और इसमें यानी जो, जो सूरह इस कहकशा में तकरीबन एक खरब एक ट्रिलियन सितारे मौजूद हैं हमारा सूरज जो है इस एक ट्रिलियन सितारों में से एक सितारा है और यह सिर्फ एक जो है वो गैलेक्सी की वसतों का हाल है अब तक की तहदीक के मुताबिक कायनात में हमारी गैलेक्सी जैसी एक ट्रिलियन जो है वो गैलेक्सीज दरियाफ़्त हो चुकी हैं और कोई सी दो गैलेक्सीज के दरमियान अरबों नूरी साल का अरबों लाइट ईयर का ट्रिलियन ऑफ़ लाइट ईयर बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ़ लाइट ईयर का डिस्टेंस है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इस कायनात की वसुतों को नापने के लिए इंसानी पैमाने नामुकम्मल हैं उस कायनात के अंदर क्या कुछ है उस सारे का तो बार वही है कि ये सारे समंदर जो है ये सारे दरख्त कलमे बन जाए सारे समंदर सयाही बन जाए और सात समंदर मजीद आ जाए उनकी मदद के लिए तो तब भी माँ नाफिदत कल मातुल्ल अल्लाह के कलेमात कभी ख़त्म नहीं होंगे इन अल्लाह आजीज़ुल हकीम बेशक ताला बड़ा गालिब और कमाल हिकमत वाला है मा खलकुकम वला बाम और नहीं है तुम सब का पैदा करना અનાય તુમ સબ કા દુબારા ઉઠાના ઇલ્લા કે નફસિમ વાહિદા મગર એસા જૈસે કે એક જાન કા યની ઉસ કે લિયે ઇતના આસાન હે ઇતની તેઝ હે મામલા કે જૈસે એક ઇન્સાન કો બનાના વેસે હી પૂર સબ કો જો હે ના સિર્ફ બનાના બલકે દુબારા ઉઠાના જીંદા કરના જી સબ ઉસ કે લિયે એસે હી ઇનલ્લાહ સમીઉમ બસીર બિશક અલ્લાહ તала સબ કો સુનતા ઓ દેખતા હે અલમ તરા અન્નલ્લાહ યુલજુલ લૈલા ફિન נહાર ઓ કે તુને ગૌર નહીં કિયા કે અલ્લાહ હી દાખિલ ફરમાતા હે रात को दिन में वजुल जुल्हारफिल्लील और दाखिल फ़रमाता है दिन को रात में वसखर शम्स वसक्र कमर और उसी ने मुसखर कर दिया सूरज और चांद को कुल्ल इलाज इलाजअली मुसम हर एक चल रहा है एक वक्त मु तक के लिए वन खबीर और यह कि अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो खूब ख़बरदार है ज़ालक बेल्ला हक़ इसलिए कि बेशक अल्लाह ही बरहक है बातिल और अल्लाह के सिवा जिनको भी वो लोग पुकारते हैं वो सब बातल है वन आलिकबीर और यह कि अल्लाह ही आली शान किब्रियाई वाला हैलम तरन्फुल्कताफुल्बाह मतलह और क्या तूने गौर नहीं किया कि कश्ती चलती है समंदर में अल्लाह के फजल से लिजोर यकुमिन आयाती ही ताकि वो दिखाए तो वह अपनी कुदरत के निशान मुशाह करे अपनी कुदरत की निशानियों काफी आयात सोबार शकूर बेशक इसमें है निशानियाँ हर उस बंदे के लिए जो बहुत ज्यादा सब्र करने वाला है और बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला है सब्र और शुक्र ये दोनों बड़ी खूबियां हैं और ईमान का मदार इन पर है इसलिए यहां सिर्फ इन दो का तस्करा किया गया दोनों मुबालगे के, के सीगे हैं सब बहुत ज्यादा सब्र करने वाला और शिकूर बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला और सब्र को शुक्र पर मुकदम किया इसलिए कि शुक्र सब्र ही का नतीजा है नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वम के अर्शद ग्रामी मुस्लिम शरीफ के अंदर कि मोमिन का मामला भी अजीब है अल्लाह लिए जिस अमर का भी फ़ैसला करे वो उसके हक हाँ में बेहतर होता है अगर उसे तकलीफ़ पहुँचे और वह सबर करे तो ये भी उसके हक़ हाँ में बेहतर है और अगर उसे कोई ख़ुशी पहुँचे और वह उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो ये भी उसके हक हाँ में बेहतर है इसलिए अल्लाह के रसूल सल्हुस वम हालाँकि आपसे ज़्यादा सबर करने वाला और शुक्र करने वाला दुनिया न में ना आया है ना आएगा लेकिन आप सलील वसम ये प्यारी दुआ मांगा करते थे अल्लाजालनी सबूरा मुझे बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला बना दे वजालनी शकूरा और मुझे बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला बना दे वजालनी फ़ी आइनी सगीरा मुझे अपनी निगाहों में छोटा बना दे व फ़ी आयन्ना से कबीरा और लोगों की निगाहों में बड़ा बना दे और वाकया फिर आप देखें कि अल्लाह सुबहाना तआला ने कैसी अज़मत और बड़ाई जो है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हमें तौफीक दे कि हम भी अपनी इन दुआओं को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं, आमीन वाइज़ा गशिया और जब आ लेती है उनको को मौज का जोला ले साबानों की तरह यानी मौज इतनी ज़्यादा तूफान की आकर उनके साहिबान की तरह उनके ऊपर जो है वो आ जाती है द अबुल्लह मुखलसन अल्दीन तो पुकारने लगते हैं अल्लाह को खालिश करते हैं उसके लिए अपने दीन अपनी एताद को फलमान जाह मिल और जब अल्लाह उनको निजात देता है खुश की तरफ फोमिन मख्तसद तो उनमें से थोड़े ही लोग हैं जो कि दरमियानी रास्ते अतदाल के रास्ते पर रहते हैं वमा वमाय जदब आयातिनुत कफूर और नहीं इनकार करता यह झगड़ता हमारी आयात के बारे में मगर हर वो शख्स जो बड़ा गद्दार है बड़ा झूठा है वादा खिलाफ है और इंतहाई नाशक् अब देखिए वहाँ पर था शकूर और इसके यहाँ पर कफूर तो ये जो है उसकी जिद जो है ना अपन शुक्र की जिद या यहोनास ए इंसानों ए लोगों इत्तकुरुब्बुकुम अपने रब का तक्वा इख्तियार कर लो वक्षौ जामन और डरो उस दिन से ला यजजी वालिदुं अम वलदिही जिस दिन कोई बाप किसी अपने अपने बेटे के कुछ काम नहीं आ सकेगा वलाउ माउलूद हुवा जाजं अम वालिदिही शिया और ना ही को बेटा अपने बाप के कुछ काम आएगा इन नवादल्ला हक़ बेशक अल्लाह का वादा बिल्कुल बरह का सच्चा है फ़ला तग़ुरुम हयात दुनिया और देखना कहीं तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाल दे वला यानकुम बिल्ला और ना ही तुम्हे अल्लाह के बारे में वो सबसे बड़ा धोखेबाज़ शैतान जो है वो धोखे में ना डाल दे कि जनाब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है सत्तार है नुक़ नवाज़ है इसलिए हराम खोरी बेहयाही बेपर्दगी किए जाओ और बाद में बूढ़े होके एक ही दफ़ा जो है तोबत तिल्ला कर लेना ये सारी उल्टी पत्नियाँ वो शै शैतान पढ़ाता है कहीं उसके जो है वाला तो देखना तुम्हें धोखे में धोखा ना दे दे तुमको अल्लाह के बारे में वो सबसे बड़ा धोखेबाज शैतान इनमु बेशक अल्लाह ही के पास है क्यामत का इल्म कब वाक्य होगी ये सिर्फ अल्लाह को पता है वही नजीरस और वो बारिश नाजिल फरमाता है वही आलम और वो जानता है जो कुछ के रहमों के अंदर है यानी उसमें से नेक है या बद है जहीन है कि गभी है वार स, न, जो है वो अपना शकी सईद यानी नेक वक्त है या शकी जो है बदबक़्त है ये सारे काम कौन जानता है ये सिर्फ अल्लाह जानता है सिर्फ एक जो वक्ती सी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से अगर जो पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है तो इससे यह मत समझें कि अल्लाह साल ने किन इल्म के कितने पहलू हैं जो सिर्फ उसी को पास हैं वमातदरी नफसम माजा तक से वदा और कोई नफ्स नहीं जानता कि कल क्या काम करेगा वमा तदरी नफसम बे अरदिन तमूत और ना ही किसी नफ्स को यह पता है कि वह किस सरजमीन में मरेगा इनल्लाखबीर बेशक अल्लाह तब कुछ जानता और हर चीज़ से बाखबर है इसके बाद सूर्य सजदा का आगाज़ होता है सूरह सजदा ये भी मक्की सूरत है अल्लाह के रसूल वसल्लम को बहुत पसंद थी इसकी तीस आयत और तीन रकू हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हदीस में आता है कि नबी वसल्लम जुमे के दिन फजर की नमाज़ में सूरह सज़दा और उससे पहले सूरह दहर जो है बल्कि पह, पहली रकत में सूरह सजदा दूसरी रकत में सूरह तो दहर की तिलावत किया करते थे इसी तरह ये भी सही सन्त से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सराः सजदा और सराः मुल्क जो है इसको पढ़ा करते थे तिलावत करते थे फरमाया बसमलरमीम अलीमी तंजील्किताबी तंजील। रईबी हिम रबीआलमीन ये कुरान का नज़ूल कुछ शक नहीं कि इस इसमें कि वह आलम की तरफ से है अम यकून अफ्तरा और क्या ये लोग कहते हैं कि ऐसे आप सलील वसल्लम ने खुद घाड़ लिया बल होक मब्ब बल्कि यही तो बरहक है तेरे परवरदगार की तरफ से लेतुन तेरा कौम माँ अतमिन नज़ीर ताकि आप सल्लम लोगों को ख़बरदार करें जिनके पास कोई ख़बर करदार करने वाला नहीं आया मिन कबलिक आपसे पहले लाअल्हत ताकि ये लोग हिदायत का रास्ता पाने अल्लाह लज खल माओ वर्द और अल्लाह जिसने तख्लीक़ फ़रमाया आसमानों को और ज़मीन को व माँ बैन हमां फ़ीसद सितत याम और जो कुछ उनके दरमियान में आया छः दिनों में सुब अर्श और फिर वह मतमक्न हुआ अर्श हुकूमत पर मालक उम्मू ने ही वली शफी और तुम्हारे लिए नहीं है कोई इसके सिवा ना कोई वली दोस्त पुष्पना और ना ही कोई सफ़ारशी अफलाताज़ कर तो क्या तुम गौर नहीं करते हो मिन युद्बर अर्द वही तदबीर फरमाता है इंतज़ाम करता है सब का मुखी आसमान से लेकर ज़मीन तक यानी वो मैजन मैनेज कर रहा है सुम्म यारो जो इही फ़ी यौमिन काना मक़दार हूँ अल्फसन माउदोन और फिर वो ऊपर उठता है चढ़ता है उसकी तरफ अल्लाह की तरफ एक ऐसे दिन में जिसकी मकदार एक हज़ार साल है तुम्हारे हिसाब से इसका तजरा सुर हज में भी आ चुका जालिक का अलमई बी व शहादा ये है अल्लाह वही जानने वाला छुपी और खुली का अल अज़ीज़ुर रहीम जो इज़्ज़त और ग़लबे वाला है और मुसलसल रहम फ़रमाने वाला है अल्लाजी अज़िया असनक ख़लका और वो जात जिसने बनाई हर चीज़ जो भी बनाई उसने बनाई बहुत ही अच्छी बनाई वबदा ख़ल इंसान मन्तिन और शुरू किया इंसान की पैदाइश को गारे से मट्टी के गारे से साल नस्ल हू मन सला तम मा इम और फिर बना दिया उसकी नस्ल को एक जो है वो हक़िर पानी का सत्य या खुलासा तोलनासल का सिलसिला शुरू सू और फिर उसने दुरुस्त किया आज़ाद जवारे मुकम्मल किए वो सारे स्टेजेस जो हैं नुतफा अलका मुदगा हड्डियाँ वो सब कुछ जो है जिनका जिक्र हम सूरह हजर सुरह मोमू में पढ़ाए व नफ़ रूह ही और फूक दिया उसने उसमें अपनी पैदा की रूह में से वजालसमस और बना दी उसने तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें वअीदा और तुम्हारा दिलोम कली इलामा तश्कर लेकिन तुम थोड़ा ही शिक्र अदा करते हो वकालना फिल्द और वो ये कहते हैं कि जब हम जमीन के अंदर मिट रल मिल जाएंगे आना लफी जदीद तो क्या हम असर नौ पैदा किए जाएंगे बल हम बिल्कर फिर बल्कि वो तो नहीं वो तो हैं अपने रब से मुलाकात के ही जो है कह दीजिए कि तुम्हें तो मौत देता है वो जो फरिश्ता है जो तुम पर मु, 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 मुकर कर दिया गया है सुरब कुम तुर जाऊन और फिर अब तो अपने रब की तरफ ही तुम लौटाए जाओगे वल उतराजिल मुजरमून और है आ, अगर आप देखें जबकि मुजरिम लोग ना के सूर ऊस हिम झुकाए हुए होंगे अपने सर इन द रबिम अपने रब के सामने रबना अपसर ना वसमा और अर्ज करेंगे क्या हमारे रब हमने देख लिया और सुन लिया पर ना ना सोलिया, सलहिया आप में वापस भेज दें ताकि हम नेक अमल करें इन्ना नामून और अपने रब के सामने हम जो है यकीन करने वाले, हम यकीन करने वाले होंगे वलव श आत नफिन हु और अगर हम चाहते यानी ज़बरदस्ती करना चाहते तो हर एक शख्स को उसकी हिदायत अता कर देते वो लाख अल क़ौल उमनी और लेकिन हक है फ़नवाया हुआ मेरे मेरा ला अम ल् जहन्नमिनतमन्नास अमन्नास अजमैन के मैं ज़रूर भर दूँगा जहन्नम को शैतान के पैरुकार जिन्नों और इंसानों से फजूख बिमा नसी तुम तुम हाजा तो बस चखो बदला बदल, बदले में उसके जो तुमने भुला दिया था इस दिन की मुलाकात को इन्ना नसीना को बेशक हमने भी तुम्हें भुला दिया वजूख व अज़ाब और चखो हमेशगी के अजाब का मज़ा बे माँ कुं बस सब अब उन कम अमलों की वजह से जो तुम किया करते थे इन नमायमिनब बे आयातिन बेशक ईमान लाते हैं हमारी आयात पर तो वही लोग एजाजुक् के रूबिहा कि जब उनको नसीहत की जाती है उन आयात के जरिए से खरू सुदा तो वह गिर पड़ते हैं सजदा करते हुए व सब्ब बाहू बमद रब हिम और तस्बी करते हैं पाकि बयान करते हैं अपने रब के हम के साथ वह हम ला इस तकबरूर और ये वो लोग हैं जो तकबर नहीं करते हैं आयतः सजदा है सजदा करके फिर इसमें आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाफा जुनू व अनिल मजाज और अलग रहते हैं उनके पहलू उनकी ख्वाब से याद रब खौफम व तम वह अपने रब को पुकारते हैं उम्मीद करते हुए यानी उसकी रहमत की और उससे जो है वह उसके अपने रब को अपने रब को पुकारते हैं खौफन उसके अजाब से डरते हुए वह तमान और उसकी उम्मीद उसकी रहमत की उम्मीद करते हुए रज़कना हम जिनफ़ून और जो कुछ हमने उन्हें बतौर रिस्क फरमाया है वो उसमें से लगाते और खपाते हैं यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जो वो ये वो बात जो हमने इससे पहले सरह फ़ुरक़ान के आखिरी रुकू में पढ़ी कि वल यबीतून अल रब हिम सज्जद क़याम वह लोग जो रात बसर करते हैं अपने रब के हजूर में सजदे और क़्याम की हालत में जो इबादुलरहमान की यह सिफ्त बताई गई कि वह नमाज तहजद का अहतमाम करते हैं और नमाज तहद तवील क्याम सजूद के साथ सुन्नत नबी के मुताबिक अदा करने का अहतमाम करते हैं वही बात यहाँ पर जो है इस्लूब में आ चुकी कि जिसमें बताया गया कि जनाब उनके पहलू जो हैं वो अपने खाब से यानी अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं और वह इन अवत में करते गए हैं अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं आर्जी करते हैं उम्मीद और खौफ़ के दरमियान और मजीद उनकी सिर्फ यह बताएगी कि वो जो हमने उन्हें बतौर रिस्क ताफ़रमाया है उसमें से लगाते और कबाते हैं फलात आलमसुमा उफरीत आयुन और नहीं जानता कोई शख्स के क्या छुपा रखी है उनके लिए आँखों की ठंडक यानी अल्लाह सुबहाना तौर और आँखों की ठंडक जो है क्या छुपा रखा है जजा अम्बे माकान अमल उन जजार बदला है उनकी जो अमल वो किया करते थे उनके तो इस अतबार से भी अल्लाह के रसूल वसलम के अर्शा ग्रामी बुखारी और मुस्लिम में कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नियमते तैयार की हैं जिन्हें ना किसी आँख ने देखा ना किसी कान ने उनका जिक्र सुना और ना ही किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा है अल्लाह सुबहाना तोल् अपने फ़जल से हम सबको अताफ़रमाय आमिन अफ़मन कान अमोमिन का मन कान फासासिका भला क्या वो शख्स जो मोमिन है बराबर है उसके जो नाफरमान है यानी फासिक है ला यभून वो बराबर हरगिज़ नहीं हो सकते आखिरत की दलील के अगर हिसाब किताब नहीं तो दोनों बराबर आखरत में पता चलेगा कि उनका अंजाम क्या होता है इसलिए आगे बता दिया अमी ने व आम सवाहियात लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमालख्तियार किए फला जन्नातलमा उनके लिए तो बाग है उनकी रहायश की जगह के तौर पर नोजोलम्बे माँ कानू या और ये इब्तदाई मेहमान नवाजी है उसकी जो वो अमल किया करते थे उनकी वजह से यानी यहाँ पर बताया गया कि ये जन्नत और उसकी नेमतें जिनका जिक्र हो रहा है नुजुल नजील वो मेहमान जो अभी अभी सवारी से उतरा हो और नुजुल कहते हैं कि जो फ़ौर आते ही उसको ठंडा या गर्म पेश किया जाए असल ज़ियाफ़त का अहमाम तो बाद में किया जाता है तो इसमें जो बात जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की अभी हमने बुखारी मुस्लिम में सुनी कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नियमते तैयार किए हैं जिन्हें ना किसी आँख ने देखा ना किसी कान ने उनका ज़िक्र सुना और ना ही किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा वह हमला जी ने लेकिन वो लोग जो फिसको फजूर करने वाले नाफरमान हैं मुन्नार तो उनका ठिकाना दोजख है कुल्लुमा अरा अखरुजु मिनह जब भी कभी वह इरादा करेंगे उसमें से निकलने का वो ईदूफी हा तो उसी में वापस लौटा दिए जाएंगे वकील अलहम और उनसे कहा जाएगा जुको अज़ामारज़ीकन तुम बेही तो कबून मज़ा चखो उस अजाब का दोजख है जिसको तुम झुठलाया करते थे वलन मिनल अज़ा अदनादून अजाबिल अकबर और हम तो अल्लाह फरमाते हैं कि जरूर चखाएंगे उन्हें कुछ अजाब दुनिया का उस बड़े अजाब से पहले ताकि वो बाज आ जाए ये बात जो है ये छोटा अजाब छोटी तकलीफ से दो चार करना और इसका असल मकसद भी यही है ताकि वो लोग बाज आ जाएं पूरी कौम की हलाकत से पहले जो है अल्लाह सुबहाना ताल की तरफ से ये इसका मकसद ये बताया गया है ताकि लोग रजू करें और जैसे पहले तवज्जो दिलाई गई कि आज बदकिस्मती से हम इस ये सबक हासिल करने को तैयार नहीं और आम तौर पर रुजू की तरफ रुझान नहीं है फरमाया वमन अजमन जुक के रब आयात रब ही उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसकी रब की आयात के ज़रिए से यादानी कराई गई हो सुम्मा आ रजा अनहा और फिर भी उसने उससे एराज किया रुख फेर लिया इना मिनल मुजरमी मुंतमूर बेशक ऐसे मुजरू से तो हम खुद इंतकाम लेने वाले ये आयत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है कि इसमें इसका मुखातिब मैं और आप हैं हमें अल्लाह ने अपने इस कलाम के ज़रिए से अपनी जो है याद दहानी का शरफ़ अता फरमाया लेकिन फरमाया कि जो जिसे ये नमत मिली हो और उससे बढ़ कर ाल कौन हो सकता है कि जिसे उसके रब की आयात के ज़रिए से याद दहानी कराई गई हो और फिर भी वो उससे उनसे एराज पहलू तही और बेअमली का रवैया अख्तियार करे तो ऐसे मुजरमों के लिए तो अल्लाह सुबहाना ताल ने फरमाया कि हम ख़ुद इंतकाम लेने वाले हैं और अल्लाह के इंतकाम के सामने कौन ठहर सकता है ये मज़मून वो है कि जो ताहा की आयत एक सौ चौबीस से एक सौ सत्ताइस में इससे पहले हम पढ़ आए वहाँ कहा था वन आ रदा अन ज़िक्री जो मेरे जो है वो यहाँ कहा सुम आ रदा अनहा उसने उन उन आयात से एराज किया यहाँ कहा जो मेरे जिक्र से एराज करता है आज बात भी शुरू हुई थी उतलो का मिनल किताब। जो कुछ वही किया गा गा आप में से। सबसे बड़ा जिक्र जो है अल्लाह का ये कुरान है फरमाया वन आ जिक्री जो मेरे जिक्र से जो है मुंह मोड़ेगा पहलू तही एराज करेगा उसके लिए तो ये दुनिया की मीशत भी तंगी वाली होगी मना शुरू हुमल क्यामत आमा और हम उसे उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा काला रबिल हशरता नहीं आमा वो अर्ज करेगा है मेरे परवरदिगार मुझे अंधा क्यों उठाया वक़द कुम तो बसवीरा हालांकि मैं तो बड़ा होशियार चालाक बंडली वाइस था काला का का आत का आयात ना अल्लाह फरमाएगा कि इसी तरह तेरे पास मेरी आयात आई थी फनासीताहा तूने तो उन्हें भुला दिया था वह कजा लिखा तुम सा इसी तरीके से आज के दिन तू भुला दिया गया है मन और हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं जो हद से तजावज करे और जो अपने रब की आयात पर दिल की गह रही है उसे यकीन न रखने वाला हो वाला आजाबल आखिरत अशद वबका और आखिरत का आजाब तो शदीद तरीन और बाकी रहने वाला है अल्लाह सुबहाना तला अपनी आयात बनात की क़दर और उसके मुताबिक अमल करने की तोहफी का ताफरुमाए वाखिर दावाना अनिलहमदिल्ल रबीआलम ला